मैंने पानी के पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया। लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल आ गए कि नहीं आ गए, कई लोग आए हुए हैं ना, भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, चुनाव के तुरंत बाद आपके पानी के बिल माफ करा दूंगा सारे के सारे। पहले भी करे थे, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, जितने आपके बकाया बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, सारे माफ करा दिए थे। कराए थे नहीं कराए थे? दोबारा करा दूंगा आपके पानी के बिल माफ। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए नहीं बनाए? ये बीजेपी वाले मेरे को गाली देते हैं, कहते हैं स्कूल फ्री में क्यों कर रखे हैं, ये फ्री स्कूल, ये फ्री की रेवड़ी है। बताओ, बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी, है कि नहीं है? एक भी पार्टी नहीं है जो कहती है हमारे बच्चों, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा। मैं कहता हूं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। इनको वोट दे दिया बीजेपी वालों को तो ये सारे स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे ये लोग। उत्तर प्रदेश के स्कूल में जाके देख लेना, गाजियाबाद चले जाना सरकारी स्कूल देख लेना, नोएडा चले जाना सरकारी स्कूल देख लेना, फरीदाबाद गुड़गांव जाके क्या हाल बना रखा इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, वही हाल तुम्हारे बच्चों के स्कूलों का कर देंगे। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने अच्छे स्कूल करे हैं। अगर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हो तो इनको वोट मत देना। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं यहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जाते हो सरकारी अस्पताल में, पैसे तो नहीं लगते, दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, दवाइयां फ्री नहीं होनी चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का फ्री का इलाज कराना तो पुण्य का काम है कि नहीं है? अगर कोई बीमार हो जाए और उसके घर में पैसे नहीं हो, उसका फ्री का इलाज कराना पुण्य का काम है कि नहीं है? ये बीजेपी वाले कहते हैं पैसे लगने चाहिए, दवाइयों के पैसे लगने चाहिए, टेस्ट के पैसे लगने चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा काम, इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला, फर्जी केस करके मेरे को? कोई केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं करा, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मेरा कसूर ये है कि मैंने आपके लिए काम करा। अगर मैं काम नहीं करता, अगर मैं आपकी बिजली फ्री नहीं करता, अगर मैं आपका पानी फ्री नहीं करता, अगर मैं आपके लिए स्कूल नहीं बनवाता, अगर मैं आपके लिए अस्पताल नहीं बनवाता, ये मेरे को जेल में नहीं डालने वाले थे। ये मैं आपके लिए जेल गया, पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। मैं अभी जेल से आया, मेरे पीछे से मेरे को पता चला इन्होंने बहुत तंग करा आप लोगों को, कहीं सीवर ओवरफ्लो करा, सारे काम बंद करा दिए इन्होंने दिल्ली के, सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब मैं लौट के आया हूं, मैं देख रहा हूं दिल्ली का इन्होंने बुरा हाल कर दिया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, सारे काम निकलने के बाद चालू करा दिया मैंने, सड़कों की रिपेयर चालू करा दी, सीवर का काम भी करा रहा हूं, बुजुर्गों की पेंशन भी चालू करा दी, बस मार्शल जो है उनको भी नौकरी पे लगा रहा हूं। एक एक काम करूंगा, कोई काम नहीं रुकेगा, एक एक काम आपका करूंगा मैं। कल मैं विकासपुरी गया, विकासपुरी में इन्होंने अपने गुंडे भेज के मेरे ऊपर हमला करवाया। मेरे को मारना चाहते हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने चुनाव लड़ो ना। मैंने तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ तब तो तुम्हारा बड़प्पन है। केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक रोक देंगे, केजरीवाल की दवाइयां रोक देंगे, केजरीवाल के काम रोक देंगे, ये कौन सा बड़प्पन है? ये तो गलत बात है, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां काम करके दिखाओ। मैं 6 महीने जेल में था, मेरे पीछे से दिल्ली चमका देते, पीछे से मेरे दिल्ली चमका देते एलजी को कहके, पीछे से इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अब केजरीवाल आ गया, चिंता मत करना, आपका केजरीवाल आपका कोई काम नहीं रुकने देगा।
दोस्तों मेरे को सत्ता का कोई लालच नहीं है, मुख्यमंत्री की पद कुर्सी छोड़ दी मैंने। मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं सत्ता में दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरे को इस बात की चिंता है कि दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए। दिल्ली में जो इतनी मेहनत से हमने 10 साल में काम किए हैं, वो काम रुकने नहीं चाहिए। चाबी आपके हाथ में है, जब बटन दबाने जाओ तो बटन दिल्ली के कामों के लिए दबाना, जिसने काम किए उसके लिए दबाना, जिसने काम रोके उसके लिए बटन मत दबाना। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, अभी गए हैं त्यौहार, करवा चौथ गया है, नवरात्रे गए हैं, दशहरा गया है, सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब खुश रखे, खूब तरक्की दे, आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे।